भजरे गुरु चरणं दुष्टर भव सागर तरणं मानस भजरे गुरु चरणं दुष्टर भव सागर तरणं गुरु महाराज गुरु जय जय साई नाथ सद्गुरु जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय सत्यम जी, मैं आपके जैसा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन अपने मन की बात बता रहा हूँ। अपने भाई की बात मान लीजिए, आप यहीं पर भजन कीजिए, अपने भक्तों को भी यहीं दर्शन दीजिए, लेकिन रहिए अपने भाई के घर ही। भाई पिता समान होता है, वे लोग बहुत चिंतित हैं, घर चले जाइए। बंधन मुक्त मनुष्य के लिए सब समान है। जिस संकल्प के लिए मैंने जन्म लिया है, बस प्रारंभ होने ही वाला है। मुझे कोई भी रोकने की कोशिश न करें, रोकने की कोशिश व्यर्थ होगी। सुशीला, जरा पानी लाना। माँ और बाबूजी को चिट्ठी लिख दी आपने? आदमी को भेज के खबर की है, कैसी बहकी बातें करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत कीजिए, उसमें ईश्वरीय गुण है, ये क्यों नहीं मानते? उसमें ईश्वरीय गुण ना होते
तो विभूति और दूसरी चीजें कैसे आती? लोग सत्यम की आरती क्यों उतारा करते? मिठास हो तो चीटियां आती हैं, ईश्वरत्व हो तो भक्त। क्या भगवान और भक्त, कितनी बार आने को कहा आना ही नहीं चाहता। पिताजी माँ आ जाए तो उन्हें इसे सौंप कर निश्चिंत हो जाऊं। मैं खाना लेकर गई थी तो बोला नहीं प्रसाद चढ़ाओ। भक्तों से गुरुवार को उसकी पूजा करने के लिए बोलता है। बाबूजी और माँ आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये? देखा जाएगा। रामा को दंडा रामा रामा पट्टा भी रामा रामा कल्याण रामा राघवा रामाराव जी, सत्यम जी की अच्छी सी फोटो खींचना, लोग दंग रह जाएं। आंजनेय जी, आपका सौभाग्य है कि ये आपके बाग में रह रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका फोटो खींच रहा हूँ। देखिए, गजब की खींचूंगा। चलो खींचो। आंजनेय जी, उनके सामने से वो पत्थर हटा दीजिए। नहीं, इसे छुइएगा नहीं। इस फोटो में ये भी आना चाहिए। जी अच्छा। स्माइल स्माइल स्माइल। क्या बात है, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। शेषम की चिट्ठी है क्या? हाँ पिताजी। क्यों जी, क्या हुआ? मेरा सत्यम ठीक है ना? घबराओ नहीं ईश्वरी, सत्यम का व्यवहार तो तुम जानती हो, अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है वो। इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। परसों अचानक बोला कि स्कूल नहीं जाएगा, इस पढ़ाई की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी बंधन नहीं चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं मुझको। और ये भी बोला कि वो साई है। इतना कुछ हो गया, शेष क्या कर रहा है वहाँ? वो कर भी क्या सकता है, स्नेह दंड भय सबका प्रयोग करके देख लिया, लेकिन वो बिना असर के आंजनेय जी के बगीचे में बैठकर भजन पूजन करवा रहा है। बाबूजी,
चलिए हम लोग फौरन ही चलेंगे वहाँ, सत्यन से मिलकर आएंगे। मुझे उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं। अरे व्यंगम्मा, हम सब सिर्फ खिलौने हैं। जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। हर कोई पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करता है, जीवन परमार्थ के लिए पढ़ाई को त्याग रहा है हमारा पोता। पूरी दुनिया भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जन्म सफल करने के लिए मेरा पोता प्रयास में लगा है। सुनो बेंगम्मा, दुनिया को रोशन करने वाला रत्नाकर वंश रत्न है हमारा सत्यम। अच्छा जाओ उसे पुट्टपर्ती ले आओ, जैसी सांबो मूर्ति जी। जी शेषम को बोलिएगा कि हम जल्द आ रहे हैं। जी अच्छा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम 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 अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। स्वामी जी प्रसाद लाया हूं, आज गुरुवार है, सुबह से दूध के सिवा कुछ नहीं लिया आपने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद है या नैवेद्य? सच कहते हैं, आपके लिए नैवेद्य, हमारे लिए प्रसाद, ग्रहण कीजिए। एक अंजलि अन्न हो तो भी प्रत्येक दाना भोजन है, समुद्र भले जल से भरा हो अंजलि भर जल भी समुद्र है, मानव जितने भी हो प्रत्येक ईश्वर स्वरूप होता है, हम जो कुछ भी खाते हैं सब ईश्वर का प्रसाद है। आहा, आपकी बातें सुनकर जीवन धन्य हो गया, आपके जैसे पुण्यवान का सानिध्य मिलना पूर्व जन्म का फल होगा। इस नैवेद्य को स्पर्श कर दिया, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। स्वामी आपके लिए स्वयं पका कर लाया हूँ, एक दाना तो ग्रहण कीजिए। इसे मैंने बोया, इसे मैंने उगाया, इसे मैंने पकाया, इसे मैंने तैयार किया कहते हैं ना, लेकिन वो तो भगवत प्रसाद है। खेत भी भगवान का ही प्रसाद होता है, और पकाता भी वही है, परोसता भी वही है, खिलाता भी वही है, खाता भी वही है, और पचाता भी वही है। अहंकार का प्रतीक है मैं शब्द, इसे छोड़कर ही यह लोग छोड़ सकोगे। आहा बहुत अच्छा है, इसमें क्या है जानते हैं? नहीं स्वामी। स्वाद, इसमें जैसे स्वाद छिपा है, भक्ति में छिपे ईश्वर को भक्ति द्वारा देख सकते हैं आप। आह धन्य हुआ। अंजने जी, अंजने जी, अंजने जी, अंजने जी, ये चमत्कार देखिए, इस पत्थर की जगह फोटो में शिरडी बाबा आ गए। कैसा चमत्कार है ये, शिरडी के साई बाबा यहाँ कैसे आए? ये पत्थर हटाने को कहा था। हाँ। तो बाल स्वामी ने हटाने के लिए मना किया था, याद है ना? हाँ। देखिए लीला। अजब है ये लीला, इस पत्थर में साई बाबा है हम नहीं जानते थे, लेकिन बाल स्वामी ने कितने अच्छे से समझाया। भक्तगणों, कल रामा राव ने जो फोटो खींची उस फोटो में बाल स्वामी के बगल में रखे इस पत्थर में साई बाबा हैं, देखिए। देखो वो माया आ रही है। सब माया है, कौन किसका है, मेरे लिए सब बराबर हैं।
क्या बोल रहे हो सत्यम? ये पूजा कैसी, ये भजन कैसा? तुम जो कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या है बेटा? भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, इनको कोई समझ सके तो गुड़ परमार्थ को समझना आसान हो जाता है। ये किस वेद में लिखा है? वेद नहीं, ये जीवन का सत्य है। मैं ये सब नहीं समझती, केवल एक ही बात जानती हूँ, वो है बेटे के लिए प्रेम। बेटे, इस माँ के प्यार को समझो, मेरी वेदना को समझो। जरा इस फोटो को देखिए। देखते हैं जी, हमारे सत्यम के साथ साईं बाबा हैं। देखिए ना, हमारे सत्यम के बगल में साईं बाबा हैं। साईं बाबा यहाँ कैसे आए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा। ईश्वर हर जगह रहते हैं, हृदयों में भी रह सकते हैं, उन्हें पहचानना हमारा काम है। क्यों बेटे, क्या बोल रहे हो? देखते हैं हमारा सत्यम क्या बोल रहा है। सत्यम, तुम्हारा मन, तुम्हारा मार्ग मैं समझ गया। जीवन का परमार्थ ढूंढने वालों को उनके मंजिल की राह दिखाने में लगे हो तुम। बेटे, ये सब इस उम्र के लिए नहीं है। माँ बाप के सपनों को ना तोड़ो। बचपन में ही वानप्रस्थ आश्रम ठीक नहीं बेटे। दुनिया का उद्धार करने से पहले अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ का, पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाप का, शुभ चिंतक बुजुर्गों का उद्धार करो, यही धर्म है। ये भूलना नहीं, मेरी बात मानकर फैसला बदल दो। बेटा सत्यम, हम नहीं जानते तुम्हारे मन में क्या है। एक बार शीश के घर चलो और अपने मन की बातें हम लोगों को खोल कर समझाओ। तुम कहना क्या चाहते हो ये तो हम जान सकेंगे। देखो बेटे, इस माँ की बातें इस तरह मत ठुकराओ। बेटे सत्यम, पिताजी, इस घर में मैं बड़ा हूं, सत्यम छोटा है, लेकिन उसे इंग्लिश पढ़ाकर सरकारी नौकरी कराने के लिए सोचा था हमने। इसके लिए कई कोशिशें भी की हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसका रास्ता ही अलग है, इस लोक से ज्यादा परलोक की सोचता है, शरीर से ज्यादा आत्मा को प्रेम करता है। ईश्वर का ध्यान ही इसका जीवन है, खुद को भगवान बोलता है। रिश्ते नाते इसके लिए कुछ भी नहीं, बोलता है मैं जहां चाहूंगा वहां रहूंगा। इसलिए आप लोगों को खबर भेजिए, अब आप लोग ही समझाइए इसे। वो समय चला गया शेष बेटे, सत्यम दुनिया को अपनी लीला दिखाना चाहता है। मुझे तो विश्वास है कि ये मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारी माँ बोले तो। ये माने या ना माने, कोशिश करना हमारा धर्म है। बेटी सुशीला, जाओ खाना लेकर आओ। ठीक माँ जी। ये लीजिए। बेटा सत्यम, मेरे हाथ से तीन कौर खाना खा लो। अम्मा,
आप ही को माया बोल रहा है, आप ही को। मोह सारा दूर हुआ, माया दूर हुई, माया दूर हुई। मोह कैसा, दूर होना क्या, इसीलिए तीन कौर बनाए तुमने बेटा। सत्यम, क्या है ये सब बेटा? सत्यम, हम सब माया में ही रह रहे हैं, हम माया ही हैं, लेकिन तुम तो परे हो इस माया से। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी, कुछ पूछूंगी भी नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। सत्यम, कहीं हिमालय विमालय जाकर किसी गुफा में ना रहने लगना, मुझसे दूर नहीं जाना बेटे। देखो सत्यम, वादा करो कि पुट्टपर्ती में ही रहोगे, इस माँ से दूर नहीं जाओगे। तुम्हारे भक्तों का मैं खुशी से स्वागत किया करूंगी। पुट्टपर्ती को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। ये वर केवल तुमको ही नहीं, पूरे पुट्टपर्ती को, सारे संसार को दे रहा हूँ। शेष बेटा जी, पुट्टपर्ती जाने का इंतजाम करो, इसका मन बदलने से पहले ही पुट्टपर्ती चलते हैं। ठीक है। मेरे बेटे का मन नहीं बदलेगा, इसका नाम सत्यम है, ये सच ही बोलेगा। विद्यार्थियों, हमारे स्कूल में प्रार्थना का कार्यक्रम सत्यम अच्छे से चलाता था, लेकिन अब हमारा सत्यम पढ़ाई लिखाई छोड़कर आध्यात्मिकता की राह पर चला गया। भक्ति मार्ग को उसने खुद के जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। अपनी प्रेम भरी वाणी वो अब सारी दुनिया को सुनाएगा, इसलिए ये प्रार्थना कार्यक्रम आप लोगों में से किसी को चलाना होगा। कफूर खान, आओ तुम प्रार्थना शुरू करो। तुमने अपना प्रेम तुम सबको दिया, उसके साथ ही इतना सुंदर गीत प्रार्थना के लिए दिया, हमारे दिलों में जो कि हमेशा बना रहेगा। सत्यम के प्रति तुम्हारा प्रेम कितना महान है आज मैं देख रहा हूं। प्रार्थना की जगह तुम्हारे दिलों से वेदना ही बाहर आई। अच्छा
सुनो, प्रार्थना खत्म हो गई, तुम सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। चलिए आप सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। बेचारे रमेश और महेश बाबा के लिए बहुत व्याकुल हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ टीचर? दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। बोलते थे कि सत्यम के बिना हम लोग जी ही नहीं सकेंगे। सत्यम के नहीं लौटने से दुखी रमेश ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और महेश मानसिक संतुलन खो बैठा। हमेशा सत्यम सत्यम रटता था, सत्यम की ही राह देखा करता था। कुछ दिनों के बाद वो भी मर गया। सत्यम पुट्टपर्ती वापस आ गया। सत्यम को फिर से पुट्टपर्ती ले आई। अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया ना। बहुत ही खुशी की बात है। वसंत अम्मा, ये लड़का कुंडम राजू जी का बेटा सत्यम ही है ना? हाँ, ईश्वर अम्मा का लड़का है। बचपन में चित्रावती नदी के किनारे खेलता था, दोस्तों से घिरा कितना अच्छा लगता था। जब ये पढ़ाई के लिए रोकुंडा गया, चित्रावती सुनी हो गई थी। फिर से जो पुट्टपर्ती लौटा है उसे देख चित्रावती नदी हमसे भी ज्यादा खुश लगती है। जानती हो, सत्यम में ईश्वरीय गुण है, उपदेश देता है, भजन गाता है, इसलिए पढ़ाई छोड़कर पुट्टपर्ती लौटाया। कितनी अद्भुत बात है ना। आहा, उस बच्चे में कितनी महिमा है। राजू, तुम जब से उरवकंडा गए हम कितने दुखी रहते थे जानते हो? जानता हूँ। राजू, तुम कब लौटोगे? हम तुम्हारा रास्ता ही देखते रहते थे। अच्छा लगा। राजू, तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना, हम यही चित्रावती नदी के किनारे साथ साथ खेलेंगे। यहाँ आए कितने दिन हो गए ना? इमलिया तो देखो कितनी ढेर सारी लटक रही है। ए, क्या बकते हो? इमली के पेड़ पर इमली की जगह अमरूद लगेंगे क्या? है ना राजू? क्यों, तुम्हें अमरूद चाहिए क्या? इमली के पेड़ से अमरूद? अच्छा, एक तोड़ कर तो दो। राजू राजू, मुझे अंगूर चाहिए। अच्छा ठीक है। राजू, मुझे तुम एक संतरा दो। ठीक है। ये लो दो दो संतरे। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो सेब चाहिए। सेब? सेब? ये लो। राजू, मुझको तो बस केले चाहिए। तुम्हें केले चाहिए? हाँ। अरे केले? मुझको भी मौसम्बी चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे मौसम्बी? ये लो। अरे कितने अच्छे फल है ना। फल है ना, नाजी अच्छे हैं। मेरा वाला क्या है, तो बहुत अच्छा है। अरे सत्यम कहाँ गया? कहाँ चला गया? अभी तो यही था। सत्यम, 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 सत्यम।
सत्यम 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 सत्यम। अरे वो रहा सत्यम। अरे अभी तो यही था, गायब हो गया। सत्यम 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 सत्यम, तुम कहाँ चले गए थे? तुमको नहीं पाकर हम लोग कितना घबरा गए थे जानते हो? तुम तो चित्रावती के किनारे थे, अचानक यहाँ कैसे आ गए? सर्वत्र व्यापी किसी एक जगह कैसे रह सकता है? अजीब बात है, एक ही पेड़ से तुमने अलग अलग फल तोड़ कर दिए। क्या तुम कोई मंत्र जानते हो राजू? हाँ राजू, तुम क्या कोई मंत्र जानते हो? ये कोई मंत्र नहीं, देवत्व जहाँ होता है वहाँ सृष्टि की पुनर्सृष्टि होती है। जैसे कि अच्छा ठीक है, हम लोग हनुमान मंदिर चले। हाँ, चलेंगे सत्यम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। चलो परिक्रमा करते हैं। हाँ चलो। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश पिहु लोक उजागर, राम दूत अकलित बल धामा, अंजनी कुमार पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री राम हनुमान, श्री रामचंद्र, श्री राम स्वामी, श्री राम को हनुमान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, हनुमान को श्री राम की परिक्रमा करनी चाहिए। राम 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 राम। राजू परिक्रमा करने की बजाय यहाँ खड़े हो, आओ परिक्रमा करते हैं। हनुमान ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं, यहाँ से हिल ही नहीं सकता मैं। हनुमान ने तुम्हारे पैर पकड़ रखे हैं, वाह वाह, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है, कहाँ है, दिखते ही नहीं। हनुमान जी कहाँ गायब हो गए? राम राम। हाँ राजू का खींचते हैं। पैर पकड़ रखे हैं? ऐसा है तो तुम श्री रामचंद्र हो? बोलो राजू। ऐसी माया है, श्री रामचंद्र के रूप में हमें दर्शन का भाग्य दिया। आगे मेरे अवतार के दिव्य चमत्कारों को और देखोगी, चलो चलते हैं। हम धन्य हुए सत्यम।
पढ़ाई को छोड़कर पुट्टपर्ती आकर स्वामी जी वहाँ क्या करते थे टीचर? उस छोटे से पुट्टपर्ती गांव को पवित्र पुण्य क्षेत्र बनाने का काम शुरू किया हमारे बाबा ने। अपनी लीलाएं दिखाते हुए, भक्ति ज्ञान प्रेम वैराग्य सिखाते हुए भक्त गणों को आत्मचिंतन बताना शुरू किया, हमारी संस्कृति को बचाए रखा। तभी तो भक्तगण बैल गाड़ियों से पुट्टपर्ती पहुंचने लगे। ये बाबा आए हैं। नमस्ते बाबा जी। यही है बंधनों से मुक्त हो, भगवान के रूप हो। हे रत्नाकर वंशरत्न, मुझे अपने पोते में भगवत दर्शन करने का सौभाग्य दिया। दादा नहीं, एक भक्त ये प्रसाद लेकर आया है, स्वीकार कीजिए। ज्ञानी वृद्ध है, देव समान है, आपका शुभ ही होगा। इन हाथों से कई अक्षराभ्यास किए, कई अन्नप्राशन और कई विवाह करवाए, कितने ही पोते पोतियों को गोद में खिलाया, लेकिन ये सिर्फ एक दादा के हाथ है। लेकिन आपके हाथ विश्व को राह दिखाने वाले हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए हैं। एक दादा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भक्त की हैसियत से मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ये विभूति मेरे ललाट पर लगा दे। पर ये संशय दूर हो जाएगा। जी, तुमने बात सुनी? बाला स्वामी भगवान है। आसपास के गांव से लोग आकर उनका दर्शन कर रहे हैं। दीदी, उनके दर्शन की मुझे भी बहुत चाहत है। हम सब उनके दर्शन करने चलें? ठीक है बहन, हम मिलकर चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो घर जल्दी चलते हैं। दीदी रुक क्यों गई? जल्दी चलो। आती हूँ माँ। कुंडम राजू जी हम सब के गुरु हैं। उनका पोता सत्यम
उनका भी गुरु है। केवल इतना ही नहीं, बड़ी महिमा है उनकी, देवता का रूप है। सुनते हैं लोग हमारे सत्यम के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। कुछ लोग उसे भगवान समझते हैं, आसपास के गांव में भी वो भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। कुछ लोग ये कहकर हंसी भी उड़ाते हैं कि उस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है या भूत सवार है। हम क्या कर सकते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। इतना ही नहीं, बाबूजी भी सत्यम को भगवान मानने लगे हैं। सच में एक बार उन्होंने कहा भी था मुझसे, वेंका नाम के एक सन्यासी उनके गुरु हैं और उन्होंने ही कहा था पिताजी से कि लोक कल्याण के लिए रत्नाकर वंश में साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं अवतार लेने वाले हैं। सत्यम उनकी भविष्यवाणी के बाद ही पैदा हुआ, इसलिए वो उसे सत्यनारायण ही मानते हैं। अच्छा, सचमुच? ये सब सुनकर लगता है अवधूत जी की भविष्यवाणी सच बात है। लेकिन जो हो, सत्य मेरी आंखों के सामने ही रहे। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। राजू जी, हम लोग कुत्ता चिरुस आए हैं। बाल स्वामी के बारे में बहुत कुछ सुना है। खुशी हुई। गौरवकोंडा से आई हूँ बाल स्वामी के दर्शन करने। यही ईश्वर अम्मा जी हैं। नमस्ते माँ। नमस्ते। आपका दर्शन ही हमारा महाभाग्य है। ईशरमा, 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 आओ सुब्बम्मा। लोगों में एक अदृश्य तीसरी आंख भी है, ज्ञान नेत्र कहते हैं उसको। उसे खोलकर विश्वव्यापी जिसके लिए कोई सीमा नहीं, उस जगदीश सर्वेश्वर को देखिए। अपने मन में प्रेम बढ़ाइए, सत्य और धर्मों का पालन कीजिए, शांति का संदेश बांटिए, इहलोक के साथ साथ परलोक का चिंतन कीजिए। आत्मज्ञानी लोग ईश्वर की खोज में भटकते नहीं, जहाँ हो वही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आप लोगों को सफल शुभ प्राप्त हो। सुमामा, आपके साथ।
ईश्वरम्मा, सत्यम के भक्तों के लिए ये घर काफी नहीं, ढेरों भक्त बाहर बैठे रहते हैं। मेरा घर और अच्छा रहेगा, भक्तगणों को सहूलियत रहेगी, ये पूजा भजन वहीं पर हो तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है सुबम्मा। अच्छा मैं चलती हूँ।
ईश्वरम्मा, तुम्हारा घर छोटा पड़ता था इसलिए गुरुवार का भजन मैंने अपने यहाँ रखा, अब ये भी छोटा पड़ गया। रोज रोज भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ सुब्बम्मा, एक और भक्तों का आना, सत्यम को देवताओं की तरह पूजना देख, सत्यम ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे ये लगता है। लेकिन दूसरी ओर कई लोग ये देखकर जलने लगे होंगे ये सोचकर मैं डरती हूँ, चिंता रहती है सत्यम पर कोई आफत ना आने पाए। इस तरह पूजे जाने की जगह केवल मेरा बेटा बनकर रहे तो सत्यम के लिए ज्यादा अच्छी बात होगी सुब्बम्मा। डरते क्यों हो ईश्वरम्मा, तुम जैसा सोचती हो सत्यम साधारण बालक नहीं है, सत्यनारायण भगवान का वरदान है, दुष्ट लोग उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। सुनो, चित्रावती के रास्ते पर मैं तुम्हें जमीन देती हूँ, भक्त लोग वहां रहकर भजन कीर्तन कर सके इसका इंतजाम कर दूंगी मैं। सत्यम वहां रहकर भक्तों को और ज्यादा समय देगा तो और अच्छा होगा ना। सुब्बम्मा, तुम इतना दान कर रही हो, ये मेरा सौभाग्य है ईश्वरम्मा। मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ सत्यम भगवान का ही रूप है ये मैं जान चुकी हूँ। भगवान की सेवा करना मेरे लिए दान नहीं, ये तो बस प्रेम है। सत्यम की सेवा करना सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए। ये सब क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझको, बस मेरा बेटा मुझसे दूर न हो इतना काफी है। ये कष्ट सबके भाग्य में नहीं, अवतार पुरुष युग पुरुष की माता को ये सहना ही होगा। देखो, रिश्तों का बंधन सामान्य लोगों को होता है, अवतार पुरुषों को नहीं। तुम्हारा बेटा तो सारी दुनिया को आह्वान दे रहा है, समुद्र की लहरें तो किनारे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन भक्ति रूपी लहरें समुद्र से सत्यम की ओर चली आ रही हैं। ये खुशी की बात है, इसके लिए चिंतित न हो, डरो भी नहीं ईश्वरम्मा। बुरी कामना से केवल दुख ही प्राप्त होगा, अच्छी कामना से साधुत्व प्राप्त होगा। कामना रहित होकर शांति से जियो, ये है मूल समझने वाली बात। धागों के मेल को कहते हैं वस्त्र, और उसमें से एक एक धागा निकाल लो तो वस्त्र कहाँ बचेगा। इसी प्रकार एक एक कामनाओं को दूर कर दी जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। इच्छाओं को वश में करने से मनुष्य में मानवता का मूल्य बढ़ता है। मानवता का मूल्य न समझो तो मानव मानव नहीं। तुम सत्य का अनुसरण नहीं करोगे तो मानो सर ही गया, धर्म का आचरण नहीं किया तो समझो भुजाएं गई, शांति न हो तो उधर गया। इन तीनों का आधार प्रेम ही है। प्रेममय बातें सत्य है, प्रेममय आचरण ही धर्म है। मन में प्रेम हो तो वही शांति है। ओम शांति शांति शांति। वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, राम 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 Rama 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 Jai Bolo, Rama Rama
नित्य नित्य जपिए तेरे नाम दे बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम दे बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय सुना है भाई सुबमा जी ने अपनी जमीन बाल स्वामी को दान कर दी है। सुबमा जी बाला स्वामी की अनोखी भक्त हैं। भक्ति के साथ दानशीलता भी उनमें है, इसीलिए वो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। बाल स्वामी जी को जन्म देकर धन्य हो गई हैं ईश्वर अम्मा जी। बाल स्वामी जी के उपदेशों को सुनना हम लोगों का सौभाग्य है। हाँ, उनका इस पुट्टपर्ती गाँव में जन्म लेना इस गाँव के लोगों के पूर्व जन्म का फल है। बहुत अच्छे दर्शन हुआ जी, मेरा जन्म धन्य हुआ है। आओ जल्दी आओ, नहीं तो कोई देख लेगा। जल्दी आओ।